जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों की। कैसा रहेगा आपका दिन कन्या राशि वालों? सभी लोग जिनका नाम पा पीपू सिक्स शू होता है वो कन्या राशि में आते हैं, जैसे प्रदीप, पूनम, प्रकाश। स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन बहुत अच्छा है, उत्तम है और धन संपत्ति के मामले में भी आपका टाइम बहुत अच्छा है। परिवार से थोड़ी नोकझोंक नज़र आ रही है तो वहाँ दिन अच्छा नहीं होगा, मिला जुला रहेगा। प्रेम के और विवाह के मामले में भी आपका दिन बहुत अच्छा है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है आप घूमने चले जाएं, मिलने चले जाएं, वो आपसे मिलने आए, आपको उसके साथ अच्छा लगे, घूमें फिरें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी आपके साथ ज़बरदस्ती दिन बनाएगा, आप उसके साथ बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत खुशनुमा फील करेंगे। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आर्थिक योजना कोई भी अगर आपको करना है तो सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना है, बिना सोचे समझे कोई भी काम मत कीजिएगा। कोई भी फैसला करने से पहले उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को, कमियों को अच्छी तरह सोचना है। हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर भावुक हो जाएँ, भावनाओं में गिर जाएँ, तो आपको अपना पक्ष थोड़ा मजबूत रखना चाहिए। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो प्यार के खूब असीम पलों को आप महसूस कर सकते हैं, प्यार का जज्बा महसूस कर सकते हैं और प्रिय के साथ घूम फिर सकते हैं। और आज के दिन कार्य क्षेत्र में कोई भी बाहरी चीज़ जो होती है आपके जो फेवरेट फेवर में हो, अच्छी जो आपके लिए हो, वो ज़रूर होगी और ये आपको और भी खुश करेगी। यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यात्रा का मौका आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कर सकते हैं उपाय, अब मैं आपको उपाय बताऊंगी। घर में जो है आपके, अगर कोई रोटी है या फल है, यानी कि आपके घर में जो रोटी होती है, फल आती है, उसको आप किसी ट्रे में या टोकरी में जो आप रखते हैं, यानी कि व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो आपके पारिवारिक की जीवन बाधाएं दूर होंगी। ये लाल किताब का उपाय है। लेकिन वैसे उपाय के मामले में आप क्या कर सकते हैं, शिव परिवार की पूजा पाठ कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, गणपति को दुर्वा चढ़ाइए, माता को एक लाल फूल चढ़ाइए, धूप दीप अगरबत्ती चाहिए शिव परिवार की, तो आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी समस्या है किसी भी तरह की तो 8126476399 पे वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू सो मच।